31 दिसंबर वो तारीख जिसके हर पल में एक नई और बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद खुली। 31 दिसंबर वो तारीख जिसमें हर शख्स की जबान पर अपनों के लिए दुआएं खुली हैं। लेकिन जश्न की इस सतरंगी तारीख को गुनाह की बढ़ती दस्तक ने स्याहे बना दिया। अलग अलग अखबारों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 सालों में जश्न की ये तारीख 23 लड़कियों के लिए जहमत बन गई। लूटमार, खूनी झड़प और हत्या के इसी तारीख पर 10 मामले दर्ज किए गए। मुसीबत वाली बात यह है कि हर साल गुनाह के ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाली 18 वर्षीय शैरिन विलियम्स के सामने आया जश्न की उसी रंगीन रात का स्याह सच। वो सच जिसे आप और हम मस्ती खुमारी में अक्सर भूल जाते हैं। शैरन, अरे प्लम केक। अरे बोला ना साथ में 12 बजे काटेंगे। और वैसे कहाँ थे तुम, इतना टाइम लगा दिया। हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही हूँ मैं। एनीवे, कोई काम मिला? मिला ना, न्यू ईयर पे एक छोटा सा इवेंट मिला है, उसी के लिए डीजे अरेंज करवाने गया था। तो इसका मतलब हमारा डिनर कैंसिल? नो मैन, देखो पार्टी 12 बजे स्टार्ट होगी और 12:30 आई लीव, उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करने चलेंगे। ओके नो बाय, चलो मैं लेट हो रही हूँ। मार्गरेट ने मिले कुछ पूछा क्या? 3 बार पूछ चुकी तेरे बारे में। ओ नो यार, वो न्यूयॉर्क की प्रिपरेशन कर रही थी ना, इसके लिए लेट हो गया। अब और लेट मत हो, जल्दी तैयार हो क्या? ओके। आज आप वॉक पे नहीं गया? कैसे जाता वॉक पे, ना राजवीर आया ना प्रदीप आया। गो एंड सी, ये राजवीर और प्रदीप अब तक क्यों नहीं आए? ओके मैम।
तुम लोग ने इतना देर क्यों लगा दिया? अरे शरण, वो आने में थोड़ी देर हो गई, वो 15 नंबर वाले को मैं वॉक पे नहीं ले जा पाया। अरे अगर लेट हो गया था तो किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, एक तो पेशेंट्स हमारे भरोसे रहते हैं। एनीवेज तुम दोनों जल्दी जाओ, मिस मार्गरेट बहुत नाराज है तुम दोनों पर। वो तो हमेशा नाराज रहती है यार। चल राजवीर। शरण, हम सब ने न्यू ईयर की पार्टी प्लान की है, तू आ रही है ना पार्टी में? नहीं यार, आई एम सॉरी, मैंने अपने भाई के साथ डिनर प्लान किया है। ओके, वैसे हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। तो मैं आ जाऊंगी ना हेल्प के लिए? कब? पार्टी के बाद 6 बजे। तो तुझे शरण को ड्यूटी से रिलीव करना है। गाइस, एक काम करते हैं, तुम 6 बजे पार्टी की तैयारी के लिए चली जाना, मैं तुम्हारी ड्यूटी कर लूंगी, और फिर रात को जब 11 बजे शुभांगी आएगी तब मैं चली जाऊंगी। ओके? या शरण। जैकब, वो मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। आज फिर किसी और की ड्यूटी? हाँ, लेकिन वो। अरे ओके माय सिस, नर्स कम सोशल वर्कर ज्यादा। अच्छा सुन ना, तू हॉस्पिटल में मेरा वेट करना, 12 की पार्टी के बाद मैं तुझे पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन केक को मत छूना। हाँ अरे ओके ओके, चल बाय बाय। सुधा की ड्यूटी तो खत्म कर ली, अब क्या मेरी भी करनी है? जाओ घर जाओ। हाँ, वो चेकअप यहीं पे आने वाला है। तो ऐसे जाओगी नर्स के कपड़ों में? जाओ जाकर चेंज कर लो। ओके, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सेम टू यू डियर। जाओ अब तुम। शरण, हेलो हेलो, you are trying to call is currently not reachable. शरण ऐसे कैसे चली गई? मैंने तो उसे कहा था हॉस्पिटल में वेट करेगी, और अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हो सकता है घर चली गई हो, एक बार घर जाकर देख लो। हाय जेकब, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
हेलो शुभांगी, शरण घर पे तो नहीं है, तुम्हें कुछ आइडिया है कहाँ जा सकती है? एक्चुअली पल्लवी सुधा ने कुछ कलीग्स के साथ मिलकर एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की सारे स्टाफ वालों के लिए, शायद वही चली गई हूँ। ओके थैंक यू। अरे जेकब, हैप्पी न्यू ईयर, चलो अंदर चलो। अरे शरण आई थी क्या? नहीं वो तो यहाँ नहीं आई। क्यों क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में भी नहीं और घर भी नहीं पहुंची अभी तक। उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ डिनर पे जाने वाली है। अच्छा शाम 6 बजे की एंट्री है, शैलिन शाम को 6 बजे ही चली गई थी। एक्चुअली उसकी ड्यूटी 6 बजे खत्म हुई थी, इसीलिए उसका एग्जिट टाइम 6 बजे का है, लेकिन वो 6 बजे नहीं 11 बजे के बाद गई थी, मैंने उसे रिलीव किया था। जेकब तुम एक काम क्यों नहीं करते हैं? तुम वापस घर जाके चेक कर लेना, शायद अब पहुंच गई हो। शुभांगी मेरे जाने के बाद शरण खुद आया, उसका कॉल आया तो उसे बोलना जेकब घर पे वेट कर रहा है, प्लीज। जहां 31 दिसंबर की रात पूरा देश नए साल की स्वागत में खुशियां मना रहा था, वहीं जेकब परेशान अपनी बहन शरण को तलाश रहा था, भटक रहा था। कहां है शरण, किस हाल में है, कुछ पता नहीं था। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। कहाँ सर पुलिस की ड्यूटी, कहाँ पार्टी, कहाँ फैमिली, अपना तो सब कुछ ऐसा ही है। हाँ सर, माय सिस्टर शरण इज मिसिंग सर। क्या हुआ? मेरी सिस्टर सर गायब है सर, मिल नहीं रही है सर। गावड़े मार दो। हाँ सर, सर हाँ जी, कॉल करता हूँ ना सर आप। सर एक सेकंड सर, क्या हुआ? से 12 बजे बाद से गायब है सर, मिल नहीं रही है सर, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो गई होगी किसी फ्रेंड के यहाँ, दोस्त के यहाँ, तू भी यार। सर वो कहीं नहीं गई, मैंने सारे फ्रेंड के यहाँ चेक किया, खुद जाकर आया हूँ और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ। अरे भाई आज न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, गई होगी कहीं पे, तू क्यों परेशान हो रहा है इतना? अरे आप समझ ही नहीं रहे पार्टी पर। मेरा कॉल करता हूँ 2 मिनट में। सर मेरा मतलब है लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के नाम पे पी के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। एक लड़की को तो मैं बचा कर आया हूँ, वरना उसे ऑटो में उठा के ले आते, और उसके साथ सर कहीं मेरी बहन के साथ, और आप कह रहे हैं कि मैं टेंशन ना लूं। सर सुने काम कर, कल सुबह तक अगर वो नहीं आती है फिर वापस आना। हाँ जी। अरे नहीं सर, मैं आपको ही कॉल कर रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ। जेकब के सामने एकदम अंधेरा छाया हुआ था। उसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि यह नए साल की रात किसी अकेली लड़की के लिए कितनी भयानक रात बन सकती है। Happy New Year!
लाश, लाश भाव। अभी खबर आई है कि जोगेश्वरी स्टेशन के पास कूड़ेदान में एक 18-19 साल की लड़की की लाश मिली है। कुछ याद है कल तुम्हारी बहन ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, शक्ल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जाओ देख लो। ये लॉकेट इसके गले से मिला है। रात भर पागलों की तरह अपनी बहन को तलाशने के बाद जब आखिर उसे अपनी बहन की लाश मिली तो एक पल के लिए शैरन को पहचानना पहलू बन गया। शैरन का चेहरा बिगाड़ दिया गया था, कुचला गया था। लाश चीख चीख कर बयान कर रही थी कि शैरन के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्या। सोचिए, जिस रात लोग नए साल की नई उम्मीदों की आज को हवा दे रहे थे, उसी रात शैरन की इज्जत हवस की आग में खाक हो रही थी। सोचिए, जिस रात आप और हम एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, उसी रात शैरन अपनी जिंदगी के लिए मिन्नतें कर रही थी। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हमारे देश में लगभग हर 20 मिनट में एक औरत का बलात्कार होता है। हर 20 मिनट में एक बलात्कार, हर 20 मिनट में एक औरत की जिंदगी, उसकी इज्जत पूरी तरह से कुचली जाती है, वो बिखर कर रह जाती है। यहां
जेकब भी बिखर चुका था जब उसने अपनी बहन की लाश देखी, लेकिन वो टूटा नहीं। वो जानना चाहता था कि 31 दिसंबर की रात को उसकी बहन कहां थी और कौन है शैरन के गुनहगार। शैरन से जब तुम्हारी फोन पे बात हुई थी तो उसने तुम्हें कुछ बताया था कि वो जोगेश्वरी में किससे मिलने जा रही है? नो सर। अच्छा, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है कि जोगेश्वरी में उसका कोई दोस्त रहता हो या बॉयफ्रेंड कोई? आखिरी बार जब तुम्हारी बात हुई थी तब शैरन कहां पे थी? जीवन अमृत हॉस्पिटल। जीवन अमृत हॉस्पिटल। आप सीएम हो गए हैं? यस। मैं यहाँ का सीएम हूँ, नवीन चंद्रा। मुझे शैरन विलियम्स के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। केक। अरे बोला ना साथ में 12 बजे काटेंगे। जैकब, जैकब। लिसन ना, मैं क्या बोल रही थी कि मुझे एक बात नहीं समझ आती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। मेरा कहने का मतलब है कि जूली इतनी अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार करती है, इतनी अच्छी कुक है, और सबसे बड़ी बात उसने तुम्हें प्रपोज भी किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले तू किसी लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। जैकब, मैं सिर्फ 18 की हूँ, जब तक मैं 25 की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। सो प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। एंड हाँ, ये लास्ट न्यू ईयर है जब मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, अगले न्यू ईयर पे जूली बनाएगी। सो यू बेटर मैरी हर। मैं लास्ट केक खा लेता हूँ। अरे वैसे तुम काम धाम क्या करते हो? सर कोई परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन डीजे पार्टी अरेंज करता हूँ और इवेंट में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको सप्लाई करके बस अपना। यार जैकब एक बात बताओ, इतने महंगाई के जमाने में मुंबई जैसे शहर में खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता होगा, नहीं? सर आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बात क्यों नहीं करते हैं? तो साफ साफ सुन लो, जीवन अमृत हॉस्पिटल के सीएमओ से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि तुम्हें शैरना की जगह पे नौकरी मिल सकती है और मिल भी जाएगी, सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा फेवर करना होगा। क्या? वो ये कि तुम्हें अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना बदलवाना है कि तुम्हारी बहन 6 बजे से पहले ही हॉस्पिटल से निकल गई थी और वो हॉस्पिटल से नहीं कहीं और से गायब हुई है, बस। सर आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। यार मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, लेकिन बात तुम्हारे फायदे की भी तो है और इसमें उनका भी फायदा है, और उसमें मीडिया वाले उनके हॉस्पिटल का नाम भी नहीं उछालेंगे। और सोचो कि अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो कितना अच्छा होगा, सोच के जवाब दो। मैंने अपना फायदा सोच लिया है, अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो ना सही मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बहन का मर्डर किया है उन्हें तो मैं सजा दिलवा कर रहा हूं, और अगर इसमें हॉस्पिटल वाले भी है ना तो वो भी नहीं बचेंगे। वेरी गुड,
बैठो 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 बैठो, पानी पियो। दरअसल उस हॉस्पिटल के सीएमओ से हमारी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं थी। तो फिर आप ये मैं सिर्फ ये देख रहा था कि किसी लालच में फंसकर तुम इस केस से अपना पैर तो पीछे नहीं खींच लोगे। देखो दरअसल होता यह है कि ऐसे केसेस में परिवार वाले ही केस से पीछे हट जाते हैं, पुलिस को मजबूरन फाइल बंद करनी पड़ती है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करते। और सबसे कमाल की बात सुनो कि गाली भी पुलिस वालों को ही सुननी पड़ती है। लेकिन गावकर इस केस की सबसे खास बात यही होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेल्डन उन्हें सजा जरूर होगी। सर उस रात शुभांगी मिली होगी आखिरी बार शरण से। शुभांगी ही उसे 11 बजे ड्यूटी से रिलीव करने वाली थी। सर मैं 11 बजे यहाँ पहुंच गई थी, कुछ 11:20 पे मैंने शरण को रिलीव कर दिया, फिर वो चेकअप का वेट करने के लिए नर्सेस के कॉमन रूम में चली गई। जब तक मैं पेशेंट का राउंड अप खत्म करके आई वो वहां नहीं थी। मुझे याद है उस समय कितना बजा होगा? सर कुछ 11:40। रात में 11:20 से लेकर 12 बजे तक के बीच में कहाँ थे? सर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मानकुर निकल गए थे शाम को। और तेरे साथ में कौन गया था? प्रदीप। प्रदीप को बुलाओ। सर हम दोनों साथ में ही गए थे मानकुर, और अगले दिन 1 तारीख को फिर वापस दोपहर में आ गए थे। सर 11:20 से 12 के बीच में मैं होटल गया था, मेरे दोस्त लोगों के साथ न्यू ईयर इवनिंग की पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। अगर आप चाहे तो मेरा ये इनविटेशन कार्ड देख सकते। पुलिस की छानबीन के दौरान एक बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर शैरन उस रात 11:20 को काम से छूटकर वहीं अस्पताल में जेकब के लिए इंतजार करने वाली थी तो वो अचानक कहां चली गई? 11:20 से लेकर 11:40 तक शैरन के साथ क्या हुआ? शैरन की जिंदगी की ये 20 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे उलझा हुआ वक्त था। अगर इन 20 मिनटों के बारे में कुछ जानकारी मिलती तो शैरन के गुनहगारों का पता चल जाता। जेकब के पास फिलहाल इन 20 मिनट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शैरन के अतीत से जुड़ा राज खुल रहा था। सिस्टर ये कुछ बुक्स और कपड़े हैं शैरन के, चर्च के थ्रू जरूरतमंद लोगों के काम आ जाएंगे। ओके मैम। सर बेटा ये कार्ड गिरा है इन बुक में से, शायद आपके कुछ काम आ जाए। गॉड ब्लेस यू। सर शैरन ने जब से हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था तब से सर वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्या हुआ राजवीर, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? शैरन बोलो। ये क्या है? प्लीज बैठो ना, बैठो बैठो, प्लीज बैठो। राजीव पर ये है क्या? खोल के देखो तो सही। रियली सॉरी राजीव, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बट दिस नॉट पॉसिबल। प्लीज शरण, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा, अभी एक कार्ड रख लो प्लीज। राजवीर मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, प्लीज मेरे लिए कार्ड रख लो। ओके थैंक यू शरण। सर मुझे डर था कि वो मेरी शिकायत हॉस्पिटल में ना कर दे जिससे मेरी नौकरी चली जाती, पर उसने ऐसा किया नहीं। अब तुम जा सकते हो। जी सर। मिस्टर सर सुनो सुनो, यहाँ ये बताओ 31 वाली नाइट को तुम लोग कहाँ नेरुल में गए थे ना? नहीं सर मानखुर्द, बताया था ना आपको। यार मानखुर्द मैं बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा एक काम करो, मानखुर्द में जहाँ पे रुके थे वहाँ का एड्रेस उस पर लिख दो, बस ऐसे ही हमारे रिकॉर्ड के लिए लिखो। ठीक है अब जा सकते।
गांवकर। यस सर। इसका वो दूसरा दोस्त प्रदीप कहाँ पे है? सर वो बाहर बैठा है। बुलाओ उसको। एक बात बता, न्यू ईयर वाली रात को तुम और राजवीर दोनों साथ में ही थे ना पनवेल में? पनवेल में नहीं सर, मानखुर्द में। अरे हाँ सॉरी, मानखुर्द में थे। अभी मानखुर्द में जहाँ पे थे तुम दोनों, वो एड्रेस लिख इस पे। तेरे दोस्त ने भी दिया है मुझे एक एड्रेस जहां पे तुम दोनों थे। लिख लिख, यही एड्रेस लिख। क्या हुआ? ऐसे लिखना। ला ऐसे देख। सही है, पूरी बात, पूरी पूरी बात बोल। सर राजवीर शैरन के पीछे पड़ा हुआ था सर। थप्पड़ से बहुत भारी पड़ेगा, एक बार वो मेरे हाथ से चढ़ जाए ना, जिंदगी भर याद रखेगी वो। आगे क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं न्यू ईयर के लिए उसे इनवाइट करूं। शरण, एक फ्रेंड के यहाँ न्यू ईयर की पार्टी रखी है, पल्लवी और लता भी वहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वहाँ लेकर आऊँ। अच्छा, लेकिन पार्टी तो पल्लवी के यहाँ है ना? हाँ, वहाँ पे अरेंजमेंट हो नहीं पाई तो पार्टी अंधेरी में हमने रखा है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी प्रदीप, पर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैंने अपने भाई के साथ डिनर प्लान किया है। जेकब के साथ? जेकब को वही बुला लो, पार्टी भी हो जाएगी और फिर वो तो पिक भी कर लेगा। सॉरी प्रदीप, पर मैं तुम लोग के साथ कभी और पार्टी कर लूंगी। हॉस्पिटल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था, साल में एक ही बार आता है, मना मत करो। ठीक है, मैं एक बार जैकब को इन्फॉर्म कर दूं। हाँ क्यों नहीं, हम चल के बात कर लें, चल के बात कर लो। अब ठीक है। हाँ। हेलो 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 जैकब। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अंधेरी जा रही हूँ, वहाँ पहुँच कर तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी, तुम भी आ जाना। हेलो जैकब। हेलो जैकब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो जैकब। ओह गॉड, क्या हुआ? बैटरी बंद हो गई। प्रदीप, हम ये किसके यहाँ आए? ये एक दोस्त का घर। अरे प्रदीप, हाय, कैसा है? हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर। आओ कम। हाँ बैठो, बैठो ना, बैठो। वो पल्लवी और लता। पल्लवी और लता आते ही होंगे ना, मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। हाँ एक मिनट, फोन चार्ज पे लगा दो ना। हाँ फोन चार्ज पे लगा देते। Happy New Year. Happy New Year. बैठो बैठो ना। शरण नहीं, बस बस, वेरी गुड, चल चल चल, तेरा काम खत्म। अबे मेरा काम खत्म मतलब तेरा प्लान क्या है तेरा? अरे कुछ नहीं ना, बस चुप तो निकलने रहूं। जा जा जा, तेरा काम खत्म, चल। सुन सुन सुन, उधर से नहीं, इधर जा, इधर से। हाँ Happy New Year, हाँ चल, जा 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 जा।
मुझे कुछ नहीं मालूम है। अगले दिन मुझे खबर मिली कि शरण की लाश मिली है। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई राजवीर से पूछने के लिए कि क्या हुआ था सर। अभी तू फटाफट उन तीनों लड़कों का नाम, घर का पता, नंबर सब घर के, सर मैं सर घर, सर घर के बाहर ही था सर, मैं अंदर नहीं गया था। मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं मालूम है सर, कुछ नहीं मालूम है सर, ये तुम्हें जरूर बताता सर। एक काम करो, फोन लगाओ उस राजवीर को, और ऐसे बात करना कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ राजवीर, मैं मलाड पुलिस चौकी से सब इंस्पेक्टर गांवकर बोल रहा हूँ, क्या तुम यहाँ चौकी आ सकते हो? हेलो, हेलो, क्या हुआ? उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अभी उसके घर पे एक पुलिस टीम भेजो। ओके सर। और एक दूसरी टीम तैयार करो मुंबई से बाहर जाने वाले सारे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर नजर रखने के लिए। यस सर। ये राजवीर शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और उन तीनों लड़कों के ठिकानों पर रेड करो जल्दी। भैया एक बलसार देना। आज आप मैंने उसका रेप किया है, प्यार करता था उससे, साली बात बात नाटक करती थी, धमकी देती सर को, कहती कंप्लेंट कर दूंगी। 31 की नाइट को मैंने उसकी औकात याद दिला दी उसको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और प्रदीप कहाँ है? लता और पल्लवी कहाँ है? प्रदीप चला गया और पल्लवी और लता यहाँ नहीं आएंगी। मैं भी यहाँ नहीं रुक रही। अपने दोस्तों को बोलो मेरा रास्ता छोड़ दे। राजवीर बहुत शरीफ होने का नाटक कर लिया। बहुत चुप चुप कर देख लिया तुझको। जिंदगी मौत से भी बत्तर होगी। तू जा। देखो पार्टी 12 बजे स्टार्ट होगी और 12:30 आई लीव। उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करने चलेंगे। ओके नो बाय। चलो मैं लेट हो रही हूं। शरण के इस मामले में हमारे कानून की धारा 376 और 302 के तहत राजवीर, गिरीश, वरुण और श्रीकांत को सजा सुनाई गई। जब अदालत ने उन पांचों अपराधियों को सजा सुनाई तो शायद शैरन के भाई जेकब को थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई होगी। लेकिन जेकब ने अपनी लड़ाई यही खत्म नहीं की। आज 6 महीने से जेकब एक एनजीओ के लिए काम करता है।
अगर कोई भी आपके साथ बदतमीजी करे या किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती करे तो तुरंत उसका विरोध कीजिए, क्योंकि अगर आप पहल करेंगी तो दूसरे भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर आपको किसी भी इंसान पर डाउट हो कि वो आप पे गलत नजर रखा हुआ है तो उससे दूर रहिए, और उसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ छेड़खानी करता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। तुरंत अपने बॉस को या फिर कॉलेज में तो प्रिंसिपल को, पुलिस को या महिला आयोग को तुरंत शिकायत करें। और याद रखिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उस इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी हरकत करने का। और मैं तो कहूंगा कि अपनी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे या मिर्ची पाउडर हमेशा अपने साथ रखें, और जहां भी खतरे का आभास हो तुरंत उसका इस्तेमाल करें। कम से कम आपके परिवार के एक सदस्य को पता होना चाहिए कि आप कहां हैं, हर पल किसके साथ हैं और आपके साथ संपर्क कैसे किया जा सकता है। शायद ये आपको ज्यादा लगे, लेकिन दोस्तों सावधानी जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस नए साल में हम और आप मिलकर संकल्प करते हैं, किसी गुनाह को होते हुए देख हम चुप नहीं रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज से इन अपराधों की संख्या कम हो सकती है, हमारी सावधानी से हम अपराध के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।